कोटड़ा में आदिवासी विकास मंच द्वारा मिलन मेला आयोजित एक दिवसीय मिलन मेला में मनाया जा रहा यहां कोटड़ा के आदिवासी विकास मंच के मैदान में। मंच के संयोजक बाबूलाल गमार ने बताया कि 28वां मेला है। हर वर्ष यह दो दिवसीय मेला होता है, परंतु कोरोना के कारण एक दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। मेले में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, जनजाति उपायुक्त तो सुरेश कुमार खटीक, विधायक बाबूलाल खराड़ी, पूर्व विधायक गोगुंदा मांगीलाल ग्रासिया, वरदान सुगना देवी, स्थानीय अधिकारी व जनप्रतिनिधि भाग लेंगे। ये मेले में इस वर्ष सामुदायिक संसाधनों पर गांव सभा के अधिकार विषय पर मुख्य चर्चा होगी। साथ ही आदिवासी इलाकों के मजदूरों, बच्चों व स्वास्थ्य, खेती, सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विषयों पर भी बात होगी। आदिवासी संस्कृति की भी यहां देखने को मिल रही झलक। मेले में आदिवासी संस्कृति परंपरा से जुड़ी हुई प्रदर्शनी, भजन, नृत्य भी होंगे यहां, जिसका उद्देश्य है कि विरासत संस्कृति रहे, आने वाली पीढ़ी में जाए। यहां पर विशेष रूप से जनजाति समाज में पुराना अनाज को लेकर संवर्धन व उसके उपयोग को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से यहाँ पर ललितम बीज संग्रह केंद्र के द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से पुराने अनाज व उपयोगी चीज़ों को लेकर दी जा रही जानकारी, यहाँ बच्चों को सीखने सिखाने के कार्यक्रम का भी किया गया आयोजन, जिसमें बच्चों द्वारा विशेष रूप से कलाकृति बनाई जा रही, जिसमें बच्चे विशेष रूप से अपनी रुचि के अनुसार बना रहे कागज व पेंटिंग के माध्यम से कलर से आकर्षक चित्र, यहाँ पर बच्चे छोटे छोटे बड़े उत्साहित नज़र आ रहे व आदिवासी मिलन मेले के रूप में यहाँ पर बच्चों में खुशी साफ झलक रही। अपनी कला को लेकर बच्चे भी उत्साहित। कोटड़ा क्षेत्र में हर वर्ष यह मिलन मेला आयोजित किया जाता है। यहाँ पर विशेष रूप से यह प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिससे लोगों को जानकारी मिल सके। ये कोटड़ा में आदिवासी विकास मंच द्वारा मिलन मेला या मेला मनाया जाता है, और ये इस साल मिलन मेला है वो 28वां मिलन मेला है, और ये हर साल मनाया जाता था, लेकिन पिछली बार क्या हुआ कि कोविड के वजह से उस संख्या के हिसाब से छोटा सा प्रोग्राम किया था। लेकिन इस मेले में ये है कि आदिवासी इलाकों से अलग अलग वेशभूषा में लोग आते हैं, और इस तरह के अलग अलग वेशभूषा में आते हैं और अलग अलग तरीके से नाच और गाने भी होते हैं, और उसमें आदिवासियों की परंपरागत जो है ढोल और या जो पुरानी परंपरागत थी बाजा और कुंडी मादल के साथ शादियां होती थी, वो भी यहाँ आता है, और वो यहाँ के जो होते हैं होली का जो त्यौहार आते हैं उसमें एक जवारा उगाते हैं और वो होली में ले जाते हैं लास्ट के दिन, और उसको महिला लेके नाचती है, गाना गाती है, तो वो भी हम इस मेले में उगाते हैं और वो भी हम मेले स्तर तक ले जाते हैं और वो उसमें महिला लेके नाचती है, और अलग अलग जिलों से भी लोग आते हैं, और अलग अलग जिलों के जो लोग हैं उनके साथ भी यहाँ आते हैं, और अलग अलग हम इस मेले में मेहमान भी बुलाए जाते हैं, और अलग अलग मुद्दे के हिसाब से ये मेला मनाया जाता है। कोटड़ा तहसील है, जिला उदयपुर है, और ये राजस्थान की दक्षिणी ओर है जिल्ला। ये मिलन मेला मनाना जा रहे हैं, 28वां मिलन मेला है, और ये बाहर के भी लोग रहेंगे इसमें, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, पाली, सिरोही की, और ये हम सब धूमधाम से परंपरागत वेशभूषा में, आदिवासियों की वेशभूषा में लोग सज धज के आ गए हैं, और यह 28वां मिलन मेला मनाएंगे। इस साल हमने जो विषय रखा है वो सामुदायिक संसाधनों पे ग्राम सभाओं का अधिकार विषय रखा है, इसमें इनके रिलेटेड जो विभिन्न विषय हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, जंगल जमीन का है, प्रवास है, नरेगा है, इन विषयों पे हम चर्चा करेंगे, और इसके अंदर विशेष मेहमान भी हमारे जिला कलेक्टर महोदय पधार रहे हैं, और TSP के उपायुक्त सुरेश जी खटीक भी आएंगे, और विभिन्न इलाकों से जनप्रतिनिधि